दिया गया है, किसी बच्चे को नहीं मालूम बता दे। सुरेश कौन से आए हो? अंडौली से आए हो? कितने टाइम आए थे? 8 बजे के आए हो। अच्छा कहे के लिए आए थे आज? आप लोगों को कितने टाइम बुलाया गया था? तो क्या जब यहाँ पे आए थे तो खाना वाने को लंच पैकेट की व्यवस्था की गई थी कि नहीं की गई थी? पानी वगैरह की व्यवस्था हुई थी कि नहीं? खाने की नहीं हुई। खाना की व्यवस्था आपको 1:30 बजे के बाद मिला है ना, जब पेपर खत्म कर दिया गया है। अच्छा ये बताओ खाने में क्या क्या दिया गया है आपको? पूरी सब्जी अचार, पूरी सब्जी अचार बस। शुभम जी कब आए थे आप? 8 बजे के आए हो। पेपर कब से कराया गया आप लोगों का? 12 बजे के बाद कराया गया, 12:30 से ना। अब 8 बजे आपको कौन लेके आए थे यहाँ पे? अच्छा स्कूल आए हो तो क्या कुछ खाना पीने की व्यवस्था सुबह से हुई थी कि नहीं हुई थी? आज पब्लिक लाइफ टीम बांदा जिले के कमासिन क्षेत्र में मौजूद है, जो आज यहां पर विज्ञान प्रतियोगिता हुई है और हमारे साथ बेसिक खंड शिक्षा अधिकारी हैं। आइए बात उनसे करते हैं कि यहां पर किस प्रकार का आयोजन किया गया और क्या क्या तैयारियां थी। सर नमस्कार। नमस्कार। आज यहां पर किस तरह की प्रतियोगिता? राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के अंतर्गत क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और जिसमें पहले से ही अध्यापकों को निर्देशित किया गया था कि बच्चों को तैयारी करा के यहाँ पे प्रतिभाग कराएं और उच्च प्राथमिक विद्यालय के 210 बच्चों ने यहाँ पे प्रतिभाग किया और जो उसमें टॉप 10 आएंगे उनको पुरस्कार दिया जाएगा और उनकी प्रतियोगिता जनपद स्तर में कराई जाएगी। क्या आपके हिसाब से यहाँ की व्यवस्थाएं सही थी? जी आपके हिसाब से सही थी, क्योंकि हम बता दें हम यहाँ पे स्थानापन के रूप में हैं और इसके पहले मतलब हमें 2 ही दिन पहले वो छुट्टी पे चले गए हैं यहाँ के खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के, तो इसलिए हमें यहाँ पे व्यवस्था देखने आने पड़ा है, बाकी सारी व्यवस्थाएं उन्होंने कराई। जैसा कि हम लोगों ने अभी बेसिक खंड शिक्षा अधिकारी जी से बात की, उन्होंने बताया कि यहाँ पर व्यवस्थाएँ ठीक हैं लेकिन यहाँ की तस्वीर कुछ अलग है देखने में। वेद प्रकाश शर्मा, पब्लिक लाइफ टीवी बांदा।